हेलो दोस्तों, आज के स्टूडियो में मैं आपको होम्योपैथिक में एलेड्रिस फेरिनोसा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, यह होम्योपैथिक की मेडिसिन वेल में काफी अच्छा वर्क करती है। पहलों में यह एकदम अमृत दवा रहती है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को आप जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आप इस मेडिसिन के बारे में काफी अच्छे से जान पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं डॉक्टर अमन कश्यप, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज हम होम्योपैथिक में आपको बताएंगे एलेड्रिस फेरिनोसा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों, यह मेलों में काफी अमृत दवा रहती है, एकदम रामबाण दवा रहती है। अब बात करते हैं मेडिसिन कैसे तैयार की जाती है। तो दोस्तों, यह है स्टार ग्रास से तैयार की जाती है, जिसका पौधो जो है काफी मतलब प्राचीन लोग जो है इसका काफी ज्यादा यूज करते थे, महिलाओं के ऊपर जो काफी लंबे समय से जो है इसके पौधों का जो है यूज करते आ रहे हैं। अब जो है यह होम्योपैथिक की मेडिसिन है, तो यह भी काफी जो है काफी ज्यादा लोग इसको लेते हैं महिलाओं के यूज के लिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसका जो रोगी रहता है किस प्रकार का रहता है। तो दोस्तों, इसके रोगी की जो शक्ति है और ऊर्जा है वह दुर्लभ रहती है, और इसके रोगी को काफी ज्यादा कमजोरी रहती है, एकदम थकावट रहती है, इस तरीके का इसका रोगी रहता है। और दोस्तों, इसके रोगी को जो है मतलब सोचने समझने की जो शक्ति रहती है काफी ज्यादा नष्ट रहती है, और इसके रोगी को जो है मतलब वह किसी कार्य को जब करता है या सोचता है तो एक मतलब एक जगह वह अपना ध्यान नहीं लगा पाता, तो इस तरीके से इसका रोगी रहता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मेडिसिन के लक्षणों की। तो दोस्तों, जैसे इसके रोगी को जो है पेट में काफी ज्यादा दर्द रहता है, और इसके रोगी का जो मल त्याग है काफी ज्यादा सख्त आता है, कठोर आता है, लेकिन जब वह मल त्याग करता है तो काफी ज्यादा उसको कठिनाइयां आती है, काफी ज्यादा परेशानी रहती है, वह दर्द के साथ निकलती है। और दोस्तों, इसके रोगी को जो है कब्ज की समस्या रहती है, इसके रोगी की जो है पाचन शक्ति है वह डिसफंक्शन रहती है, खराब रहती है, वह सही से वर्क नहीं करती, तो पाचन शक्ति को बढ़ाने में यह दवा एकदम रामबाण दवा रहती है। और दोस्तों, इसके रोगी को जो है भूख से एलर्जी रहती है, मतलब कि उसको भूख नहीं लगती, इस तरीके का इसका मन करता है। और कहीं ना कहीं इसके रोगी को जो है चटपटी चीजें खाना अच्छा लगता है, क्योंकि मेधावी जो लोग होती है वे काफी चटपटा चीज खाना पसंद करती है ज्यादातर। और दोस्तों, अब बात करते हैं इसके मुख्य लक्षणों की ओर, मेधाव की ओर हम चलते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा मेधाव की जो मतलब की जो लुगोड़ी की समस्या रहती है उसको जड़ से ठीक करती है, उनको जब दर्द रहता है पेट में उसको भी बहुत जल्दी से ठीक करती है। मानसिक धर्म है वह सही टाइमिंग पर नहीं आते, वह लेट आते हैं, जल्दी आते हैं, या उसमें काफी ज्यादा ब्लीडिंग रहती है, दर्द रहता है, उसको यह ठीक करने में सही समय पर लाने पर यह दवा एकदम रामबाण वर्क करती है। और आपने देखो होगा जलायु में मतलब कि बच्चा दाने में किसी प्रकार से मतलब रोग उत्पन्न हो जाता है उससे संबंधित, तो उसको भी यह जड़ से ठीक करने में बहुत ही अच्छा अपना जो है लाभ करती है, कारीगर रहती है। और दोस्तों, महिलाओं में आपने देखा होगा कि उनको बहुत ही ज्यादा मतलब दर्द रहता है, नीचे दबाव बना रहता है, पेट से नीचे की तरफ काफी ज्यादा दबाव रहता है, या फिर इचिंग भी रहती है, तो उसको भी यह ठीक करने में काफी अच्छा वर्क करती है। और इसके रोगी को जो है एनीमिया मतलब कि खून की कमी हो जाती है, जब अत्यधिक ब्लीडिंग रहती है, ब्लीडिंग हो जाने के साथ साथ उसको काफी ज्यादा कमजोरी आ जाती है, कमजोरी जब उसको आती है तो पूरे शरीर एकदम मुरझाया सा रहता है, बहुत ही आलस्यपन रहता है, और उसी के साथ साथ उसको हेडेक की समस्या रहती है, कमजोरी आ जाते हैं तो हेडेक की समस्या उसको रहती है। और दोस्तों, इसके रोगी को जो है खून इतना कम हो जाता है जिससे काफी ज्यादा बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, उसके साथ फिर उसको भूख नहीं लगेगी, पाचन शक्ति अपना जो है सही से वर्क नहीं करेगी, जिससे उसका डाइजेशन है काफी खराब रहता है, तो उसको ठीक करने में यह रामबाण दवा रहती है। तो दोस्तों, अगर महिलाओं में इस तरीके की कोई भी दिक्कत आपको रहती है तो आप इसको जरूर यूज करिएगा। तो दोस्तों, महिलाओं के लिए यह अमृत दवा रहती है। तो महिलाओं के जो है मतलब पीरियड्स जो है मतलब सही टाइमिंग पर नहीं आते, ये फिर लुगोड़ी की समस्या रहती है, पेट में दर्द रहता है, या बच्चे दाने में किसी प्रकार की दिक्कत रहती है, मतलब इन्फ्लामेशन, सूजन, इस तरीके को यह जल्दी से ठीक करता है। और दोस्तों, सबसे अच्छा वर्क करते हैं जब खून की कमी रहती है या थकावट रहता है, इस तरीके को यह काफी जल्दी से ठीक करता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इसके डोजेस की, आप जैसे किस प्रकार से लेंगे। तो दोस्तों, आप जो इसकी 4 बूंद सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, या आप सीधा टैंक पर डाल सकते हैं, या फिर जो आप इसे मतलब गुनगुने पानी में आधे कप पानी में डालकर ले सकते हैं, या फिर अपने बताए अनुसार डॉक्टर के आप इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप इस दवा को लेते हैं तो आपको किन चीजों का फेस करना चाहिए, जैसे कि कच्चा लहसुन, प्याज कटाई, और मतलब कॉफी या सुगंधित चीजों को आपको फेस करना चाहिए। और दोस्तों, जब आप दवा लेते हैं तो खाना खाने से आधा घंटा पहले या फिर आपको जो है बाद में लेनी चाहिए, जिससे आपको काफी अच्छा से रिजल्ट देखने को मिलता है।
तो दोस्तों यह मेडिसिन अगर आप लेना चाहते हैं तो यह आप 30 ml की ले सकते हैं और यह आप एसबेल या जर्मन कंपनी की ले सकते हैं, क्योंकि एसबेल कंपनी भारत की कंपनी काफी अच्छी कंपनी है, उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आप जर्मनी के लेते हैं तो यह भी बहुत ही पेटेंट अशुद्धि निकालती है अपने प्रोडक्ट की। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम इस मेडिसिन को आप जो कहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों यह आप आसपास के होम्योपैथिक क्लिनिक शॉप से ले सकते हैं या फिर जो है आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आगे की आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जब आप इसको लेते हैं तो यहाँ आप ध्यान रखें कि आपको जो है कौन सी पोटेंसी की लेनी है। आप जो है इसको 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं, 200 में ले सकते हैं, 1000 में ले सकते हैं, वह आप डॉक्टर के बताए हुए अनुसार आप जो है इस पोटेंसी का आपको जो है यूज करना है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस